बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाई हो, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो आज हम आप मेरा देख रहे हैं चैनल ग्रेटिव MM। तो आज हम मज़ेदार रेसिपी लेके आए हैं आलू प्याज के पकोड़े। तो इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम 2 कप लेंगे बेसन, ये कुटी हुई लाल मिर्ची, नमक और काली मिर्ची, कुटा हुआ धनिया और हल्दी, और ये जीरा क्रश करके ऐसे हाथ से ही डाल करेंगे। ये मैंने आलू 2 अदद आलू लेके इसको कद्दूकस कर लिया है, अच्छी तरह धो के वाश करके। तो अब 2 मैंने ली हैं सब्ज मिर्ची और 2 ही मैंने लिए हैं प्याज। इनको ऐसे लंबाई के रुख काट लिया है, ये पकौड़ों में लंबे लंबे अच्छे लगते हैं। अब हम ये हाथ से ही ऐसे, इसमें थोड़ी सी हैं काली मिर्चें और सफ़ेद जीरा, इसको ऐसे करके डाल देंगे। नहीं डालना ताकि जब तक आलूओं का पानी है, प्याज में भी पानी होता है, तो ये जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके हिसाब से हम इसको फिर मिक्स करेंगे। अगर आपने इसका मैटर बना के रखना है तो आपने इसमें नमक नहीं ऐड करना, नहीं तो आलू पानी छोड़ देते हैं और जो हमारा बैटर होता है वो ऐसे पतला सा होने लग जाता है, ना ही पतला। इसको ऐसे अच्छे तरीके से इसमें मिक्स, इसमें अच्छी तरह सारा मसाला चला जाए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे, और रेडी इसमें नहीं मिक्स करना। ऑयल डाल के चूल्हा जला दिया है ताकि ये गर्म हो जाए हमारे बैटर बनाने का। तैयार हो गया। आपने हमेशा चम्मच से नहीं डालने, हाथ से डालने हैं। हाथ से ज़रा अच्छे भी बनते हैं और क्रिस्पी भी बनेंगे, इनकी शेप अच्छी आती है। चम्मच से ज़रा बिल्कुल गोल मटोल से बन जाते हैं, तो ये हाथ से ज़रा अच्छे करके बनेंगे। कोशिश कीजिए कि हाथ से डाल लें। जब हम किचन में खड़े होते हैं तो तकरीबन हाथ हमारे साफ ही होते हैं, क्योंकि मिनट बाद तो हम धो रहे होते हैं, कोई चीज़ साफ कर रहे होते हैं। आग आपने मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी। बस थोड़ी सी इनको देर है, अब ये बन के मज़ेदार पकौड़े हम तैयार हैं। हमने साथ में धनिया और पुदीने की चटनी बनाई है दही के साथ, और बहुत सारे किस्म के पकोड़े बनते हैं, जैसे बैंगन के, सब्ज मिर्चों के। और बच्चे ज़्यादातर सब्जियां नहीं खाते, तो आप इस तरीके से इसमें डाल के बच्चों को खिला सकते हैं, जैसे कद्दू के हो गए, कद्दू के भी बहुत टेस्टी बनते हैं, लौकी जैसे इसे कहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारे बन के तैयार हो रहे हैं। आग आपने हमेशा मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, नहीं तो जल जाएंगे ये और बीच में से कच्चे रह जाएंगे। क्योंकि बेसन होता है इसको ज़रा सा टाइम लगता है हल्की आँच में पकने के लिए। जो बीच में हमने मटेरियल डाला है वो भी अंदर तक पक जाए तो ज़्यादा अच्छे और टेस्टी लगेंगे। बस ये तकरीबन बन के तैयार होने वाले हैं। देखते हैं आप इसको, देखिए
इसको चाय के साथ दें। रायते के साथ, केचप के साथ, बच्चे तो ज़्यादा केचप ही इस्तेमाल करते हैं, शौक होता है उनको केचप के साथ खाने से, खाने का। देखिए ये हमारे बनके तैयार हो गए। आज हमारे बन के मज़ेदार पकोड़े तैयार हैं। आप मेरा चैनल देख रहे हैं क्रिएटिव MM। जो आपको अगर ये मेरी रेसिपी आज की अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स करके बताइए।